हेलो एवरीवन, दिस साइड एडवोकेट जितेंद्र यादव, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो आज हम अपनी क्लास नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं, क्लास 6, जिसमें हम सीआरपीसी के सेक्शन 204 से और सेक्शन 371 के बीच के जितने भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट अपकमिंग जुडिशरी और आईपीओ एग्ज़ाम के लिए बन रहे हैं, उनको आज हम देखेंगे इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली बिहार जुडिशरी, यूपी जुडिशरी और अन्य जुडिशरी के हिसाब से। तो हमने पिछली क्लास में जो हमारी 5th थी, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक कवर किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक कवर करेंगे, जो हमारी अगली श्रृंखला होगी। तो बिना कुछ देर के हुए हम अपना क्वेश्चन नंबर 51 सर्च करते हैं और वहाँ से हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, अभिवाक सौदेबाजी यानी कि प्ली बार्गेनिंग के प्रावधान प्रयोज्य हैं केवल किस में? किशोर अपराधों में, ऑप्शन 2 अपीलीय प्रक्रम में, ऑप्शन 3 सात वर्ष से अधिक दंडनीय अपराध में, ऑप्शन 4 धारा 204 के अंतर्गत तामील जारी होने के बाद। तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा हमारा 4, यानी कि धारा 204 के अंतर्गत तामील जारी होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं हम। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत सौदा अभिवाक के लिए निम्न में से कौन आवेदन कर सकता है? ये ऑप्शन इसमें गलत टाइपिंग हुए हैं, तो टाइपिंग एरर है ये, ठीक है। लेकिन मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ, इसमें जो आंसर होगा वो होगा आरोपी। आरोपी आवेदन कर सकता है प्ली बार्गेनिंग के केसेस में, ये आप याद रखना। जो सौदा अभिवाक होती है उनमें से आवेदन अभियुक्त या आरोपी कर सकता है, तो इसको हम काट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 हम देखते हैं, वही आ गया है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सौदा अभिवाक निम्न में से कौन आवेदन कर सकता है? लोक अभियोजक, अन्वेषण अधिकारी, अपराध से पीड़ित व्यक्ति या अभियुक्त। तो इसका राइट आंसर होगा अभियुक्त, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, प्ली बार्गेनिंग का अध्याय दंड प्रक्रिया संहिता में जोड़ा गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा अधिनियम संख्या 2 सन 2006, याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपराधिक विचारण में, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपराधिक विचारण में साक्ष्य कौन लिखता है? क्वेश्चन नंबर 52, ऑप्शन 1 है न्यायालय का कोई भी कर्मचारी, ऑप्शन 2 मजिस्ट्रेट, ऑप्शन 3 अधिवक्ता, ऑप्शन 4 विशेषज्ञ। तो इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से गैस करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 मजिस्ट्रेट। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 272 के अंतर्गत राज्य के अंदर उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालय की भाषा कौन अवधारित कर सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार इंटरव्यू और फिल्म्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन 3 होगा, राज्य सरकार, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन साक्षी की भावभंगिमा को अवलिखित करने का उपबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा धारा 280। धारा 280 में भंगिमा होती है, जो साक्षी होता है उसको मजिस्ट्रेट न्यायाधीश को अवलिखित करता है। दंड प्रक्रिया संहिता में पूर्व दोष सिद्धि को साबित करने से संबंधित कौन सा प्रावधान है? तो ऑप्शन 1 है धारा 296, ऑप्शन 2 है धारा 297, ऑप्शन 3 है धारा 298, ऑप्शन 4 है धारा 299। जल्दी से गैस करिए, इसका कौन सा आंसर राइट होगा? इसका राइट आंसर होगा धारा 298, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58, घा एक व्यक्ति है, घा को लूटने के लिए का, खा और गा पर विचारण चला एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने दोषी ठहराया, क्या उन्हीं तथ्यों पर उन्हीं आरोपी गढ़ पर डकैती का आरोप लगाकर विचारण किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन 1 है हाँ, ऑप्शन 2 है नहीं, ऑप्शन 3 है धारा 300 दंड प्रक्रिया संहिता बाधित करती है, ऑप्शन 4 है
अविधानित होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से गैस करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन वन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं हम। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा यह अपबंधित करती है कि किसी व्यक्ति की जिसकी एक बार दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति हो चुकी है उसी अपराध के लिए दोबारा विचारण नहीं किया जा सकता। वेरी 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 इम्पोर्टेंट, इस चीज़ को आप याद करके जाइएगा कि सेक्शन में ये बात कही गई है। तो ये राइट आंसर होगा धारा 300 यानी कि 300। एक ही अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती, दो बार उसको दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो ये आपको ये भी याद रखना है कि ये संविधान के किस सेक्शन आर्टिकल में ये चीज़ कही गई है। इसको भी आप जल्दी से अपने नोटबुक में लिख के अपना सर्च करिए ताकि आपको याद रहे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा। इसका राइट आंसर हम जल्दी से ढूंढते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दो यानी कि ऑप्शन टू, राज्य के खर्चे पर अभियुक्त को विधिक सहायता प्रदान करना। राज्य खर्चा उठाएगा अभियुक्त को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू। क्वेश्चन नंबर 61 जो हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा ऑट्रीफॉइस एक्ट और ऑट्रीफॉइस कन्विक्ट के सिद्धांत पर आधारित है। ये ऑप्शन है हमारा 3 यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 यानी एक किसी भी व्यक्ति को जो हमारा 300 है, जिससे पहले का जो हमारा क्वेश्चन था वो हम देखते हैं। हाँ, इसका जो हमारा अगला जो क्वेश्चन था कि एक बार दोष सिद्धि हो चुकी हो उसको दोबारा दोष सिद्धि नहीं दिया जाएगा, दोबारा विचारण नहीं होगा एक ही अपराध के लिए। तो इसमें धारा 300 हमारा होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 62, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान में रखते हुए जाना अपने एग्जाम में। उसका ऑप्शन होगा राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3, धारा 304। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के अंतर्गत सह अपराधी को कौन क्षमादान कर सकता है यानी क्षमादान दे सकता है। केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, केवल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, केवल प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या उपरोक्त सभी। इसमें उपरोक्त सभी यानी कि तीनों मजिस्ट्रेट क्षमादान दे सकते हैं। केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट। यह रखना, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट क्षमादान नहीं दे सकता है, ये आपको ध्यान में देने वाली बात है। अगर ऑप्शन ये आता है कि द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट, नहीं। ये तीन टाइप के मजिस्ट्रेट्स दिए गए हैं, इनमें से कोई भी अगर आता है तो आपका सही है, अगर तीनों आते हैं तो तीनों सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, विधि के किस प्रावधान के अंतर्गत किसी दंडिक न्यायालय के समक्ष जांच या विचारण के प्रयोजनार्थ एक अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करना एक निगमित निकाय से अपेक्षित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, धारा 305 दंड प्रक्रिया संहिता। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत कर सकता है। एक न्यायिक मजिस्ट्रेट कितने दिनों के लिए, ऑप्शन 2 होगा अधिकतम 15 दिनों के लिए। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट कितना, 7 दिन। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, अधिकतम 15 दिन। न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात नहीं हो रही है यहाँ न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के अधीन निम्नलिखित में से कौन किसी सह अपराधी को क्षमादान करने के लिए अधिकृत नहीं है। देखो, जो क्वेश्चन मैंने पहले बताया था, टारगेट फॉर आईक्यू टीम ने किस तरीके से क्वेश्चंस को घुमा के फ्रेम किया है, ये देखने वाली बात है।
इसमें सेम क्वेश्चन है बट आपको घुमा दिया है। कमीशन ऐसे ही आपके दिमाग के साथ खेलता है। तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कर सकता है, तृतीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट ये नहीं करता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ये भी कर सकता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट ये भी कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा अधिकृत नहीं कर सकता। ये हमें ध्यान देने वाली बात होती है क्वेश्चन में, क्योंकि हम यही मिस कर देते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट क्षमादान नहीं कर सकता सह अपराधी को। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 है क्वेश्चन, सह अपराधी को दंड प्रक्रिया सहायता की धारा 306 के अंतर्गत क्षमादान कब दिया जा सकता है? अन्वेषण के दौरान, जांच के दौरान, विचारण के दौरान, इनमें से सभी में। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी में। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, दंड प्रक्रिया सहायता की धारा 306 में सह अपराधी के क्षमादान किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, जब वह उस अपराध के संबंध में संपूर्ण सही तथ्यों का प्रकट करने का वचन देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। अगले भी चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, न्यायालय के निर्णय के पूर्व अभियुक्त को क्षमादान देने का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिस पे मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल रहा हूँ। आप इसको बिल्कुल भी 1% भी रिस्क मत लीजिए, इसको इग्नोर मत कीजिए। इनको तो आपको एक नोटबुक पे आप साइड में नोट कर सकते हैं ताकि आप रिवाइज कर सकें जल्दी। इनमें से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस मिलेंगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा 2, धारा 307। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70, दंड प्रक्रिया सहायता किस धारा में न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विचारण के किसी भी चरण में किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुला सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा धारा 311 यानी ऑप्शन 4। संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त के परीक्षण का प्रयोजन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, अभियुक्त अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों का स्वयं स्पष्टीकरण कर सके। 313 में यह बात कही गई है, सेक्शन 313 में। फिर हमारा उसी सेक्शन 313 पे एक नया क्वेश्चन ट्विस्ट किया है कमीशन ने, कमीशन की तरफ से, और टारगेट फॉर आईक्यू ने भी इसको अपनी तरफ से घुमाया है। क्वेश्चन नंबर 72 है, दंड प्रक्रिया सहायता की धारा 313 के अधीन न्यायालय द्वारा अभियुक्त का बयान लिया जाता है यानी कि स्टेटमेंट लिया जाता है, शपथ पर, शपथ पर नहीं, न्यायालय के विवेकानुसार, या तो सब शपथ पर अथवा बिना शपथ पर। ऑप्शन 4, या तो शपथ पर या विवेकानुसार बिना शपथ के, इस बात का ध्यान रखते हुए कि मामला सम्मन विचारण का है या वारंट विचारण का। तो इसका राइट आंसर होगा शपथ पर नहीं बयान लिया जाता। 313 का दिन जो कोर्ट बयान लेता है अभियुक्त का, वो शपथ पर नहीं लेता, याद रखने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 73 नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा अपराध शमनीय नहीं है? तो इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा यानी कि आईपीसी की अब बात हो रही है, आईपीसी से सेक्शन से इन्होंने पूछा कि भाई इनमें से कौन सा अपराध क्षमादान में नहीं आता जो कि सीआरपी से रिलेट करता है, सीआरपी टीम प्रोविजन दिए हैं, तो इसमें देखना है। तो आईपीसी की धारा 323 में क्षमादान है, आईपीसी की धारा 334 के अंतर्गत भी क्षमादान होता है। ऑप्शन 3 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 448 के अंदर ये भी क्षमादान है, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत ये क्षमादान का नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही संगीन अपराध है यानी अटेम्प्ट टू मर्डर है, तो इसमें क्षमादान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन अपराध व्यक्तियों द्वारा शमन यानी कि क्षमा योग्य नहीं किया जा सकता यानी क्षमा नहीं किया जा सकता? तो इसमें ऑप्शन 4 होगा, कुटकृत सिक्का, ये बहुत गंभीर अपराध है, इसको क्षमादान में नहीं दिया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं हम,
हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में अब निर्धारित किया है कि बलात्कार के मामलों का निपटारा मध्यस्थता द्वारा नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें केस पूछ लेता है इंटरव्यू पैनल, और प्रीलिम्स में हर स्टेट में लगभग पूछा गया है, ये 90% ये हर स्टेट में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, मध्य प्रदेश ऑप्शन 2 है, मध्य प्रदेश राज्य बना मदन लाल। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, शमनी अपराध उपबंधित किए गए हैं किस में किए गए हैं यह देखते हैं हम। तो शमनी अपराध CRPC की संहिता यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में दिए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना। इस सीरीज़ में सिलेक्टेड 100 क्वेश्चंस हैं सेक्शन 204 से 371, और जो मैंने पिछली क्लासेस में जो कराए हैं सेक्शन, दोस्तों उनको आपको भूलना नहीं, आप उनको करके चले जाएंगे। मैं ये बता रहा हूँ, इस टेस्ट सीरीज से ही आपको 80-90% प्रश्न मिलेंगे। समय कम है तो आप इनको ज़रूर देखते हुए जाएं। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं हम, नेक्स्ट है जो हमारा, कौन से अपराधों में पक्षकारों के मध्य समझौता हो सकता है, जमानती, असंज्ञेय, शमनयोग्य, अशमनीय। तो इसका राइट आंसर होगा शमनयोग्य में जो अपराध होते हैं उनमें पक्षकार यानी पार्टीज होती है वो समझौता कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, धारा 320 दंड के संहिता में विनिर्दिष्ट यानी कि दिए हुए अपराधों के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता में उल्लेखित अन्य सभी अपराध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, अशमनीय है, यानी 320 के अलावा जो अपराध दिए गए हैं वो सारे अशमनीय होंगे। ये इन्होंने क्वेश्चन को घुमा दिया है धारा 320 से रिलेटेड CRPC के। निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी व्यक्ति के अभियोजन को न्यायालय की सम्मति से वापस ले सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, मामले का भार साधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक। तो इसका ये राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं हम, CRPC की धारा 320 के अधीन शमन का प्रभाव उस अभियुक्त की दोष सिद्धि पर होगा, उन्मोचन पर होगा, दोष मुक्ति पर होगा, मामला समाप्त होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोष मुक्ति होगा। ये बहुत क्वेश्चन घुमा देते हैं कई बार कि शमन का प्रभाव दोष मुक्ति होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये भी कई बार कर देते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के अंतर्गत कौन किसी मामले के अभियोजन को वापस ले सकता है। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, किसी मामले का भार साधक लोक अभियोजक या न्यायालय की सम्मति से। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC की बात हो रही है, 1880 की धारा 324 के अंतर्गत अपराध किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन 1 है न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, किसी भी मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट। तो इसका राइट आंसर होगा किसी भी मजिस्ट्रेट ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। हाल ही में निम्न प्रकरणों में से किस एक में सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब के हमले में घायल व्यक्ति की चिकित्सक इलाज के लिए निर्देश जारी किए हैं। यह ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को ये आता होगा, तो इसका ऑप्शन 2 है लक्ष्मी बनाम भारत संघ। तो 83 का ऑप्शन 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में न्यायालय खुला होगा का प्रावधान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये होगा ऑप्शन 2, धारा 327। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विकृत चित्त अभियुक्त को कुछ विधिक संरक्षण दिए गए हैं, ये प्रावधान पाए जाते हैं किस धारा में, CRPC किस धारा में ये प्रावधान पाए जाते हैं, उसको हम देखते हैं
राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन वन है धारा 328, ऑप्शन टू है धारा 331, ऑप्शन थ्री है धारा 334 में, ऑप्शन फोर है उपरोक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी धाराओं में, यानी कि 328 में भी, 331 में भी और धारा 334 में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 86। दंप के सहायता की धारा 354(5) के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता है, वह दंडादेश निर्देश देगा। इसका है राइट आंसर ऑप्शन थ्री, उसे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। आहत प्रतिकर योजना दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357 यानी 357 का के काम में किस संशोधन अधिनियम में जोड़ी गई है। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा एक्ट 5 के 2009 संशोधन से। तो इसका ये राइट आंसर होगा 87 का ऑप्शन टू। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से कौन सी धारा निर्णय की भाषा एवं विषय वस्तु का उपबंध किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, धारा 354 में। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। धारा 357 ए दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिकर मात्र का निर्धारण कौन कर सकेगा। ऑप्शन वन है शासन न्यायाधीश, ऑप्शन टू मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन थ्री जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन फोर राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। निम्न किस वाद में यह अब निर्धारित किया गया था कि पीड़िता की पहचान न्यायालय के निर्णय में भी प्रकट नहीं की जा सकती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको भूलना ही नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको तो आपको देख के जाना ही जाना है। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं। 90 का राइट आंसर क्या होगा, दिनेश बनाम राजस्थान राज्य। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख के ज़रूर जाइएगा और इसको हमेशा याद रखिए। इंटरव्यू में हाईली चांसेस हैं ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नांकित कौन सी धारा प्रतिकर भुगतान न्याय से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री, धारा 357। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 के अंतर्गत सदाचरण की परिवीक्षा पर किसे छोड़ा जा सकता है। तो ऑप्शन वन है जो व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु का नहीं है, ऑप्शन टू जो व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु का है, ऑप्शन थ्री कोई भी, ऑप्शन फोर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नांकित किस धारा में पीड़ितों के उपचार संबंधी प्रावधान किया गया है। ऑप्शन वन धारा 57, ऑप्शन टू धारा 57 ए, ऑप्शन थ्री धारा 357 खा, ऑप्शन फोर धारा 357 गा। तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से गैस करिएगा क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा, एक बार फिर से हम ऑप्शन देख लेते हैं, ये रहे 357 का और 357 खा और 357 गाओ। प्रश्न भी देख लेते हैं क्या कहा है, पीड़ितों के उपचार संबंधी। तो इसका ऑप्शन होगा राइट फोर, धारा 357 गा। एक बार निर्णय पर हस्ताक्षर कर देने के बाद न्यायालय उसमें संशोधन कर सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री, लिपिक त्रुटियों में सिर्फ कर सकता है और किसी में नहीं कर सकता। तो लिपिक त्रुटि होगी तो वो कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। प्रकरण का निर्णय या अंतिम आदेश जब तक हस्ताक्षरित हो जाता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है। तो वही क्वेश्चन को घुमा दिया है। अगर हस्ताक्षरित किसी निर्णय पर कर देता है न्यायाधीश तो उसको
क्या कर सकता है, उसको लिप की त्रुटियों को सही कर सकता है, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही है। सिर्फ लिप की त्रुटियाँ ही सही हो सकती हैं, गड़ती है लिप की है, इस टाइप की त्रुटियाँ होंगी तो उन्हें सही कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, निर्णय सुनाए जाते समय किस मामले में अभियुक्त को उपस्थिति से अभिमुक्ति दी जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, एक तथा दोनों, यानी कि हम ऑप्शन 1 भी पढ़ेंगे और ऑप्शन 2 भी पढ़ेंगे। जब न्यायालय ने अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से पूर्व ही अभिमुक्ति प्रदान कर दी हो, और ऑप्शन 2 भी सही है, जब निर्णय दोष मुक्ति का हो, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 97 पर चलते हैं हम, दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत लिपिकीय या गणितीय भूल को ठीक करने के सिवाय किसी निर्णय या आदेश का पुनर्वलोकन वर्जित है? तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा था, बस हमारी टीम ने इसको घुमा दिया है। तो इसमें राइट आंसर होगा 97 क्वेश्चन का 4, यानी कि धारा 362 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीआरपीसी की कौन सी धारा यह प्रबंधित करती है कि सत्र न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दंडादेश को निष्पादित करने से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन 1 देखते हैं धारा 368, ऑप्शन 2 है धारा 366, ऑप्शन 3 है धारा 371, ऑप्शन 4 है धारा 369। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, सेक्शन 366, यानी कि 366। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, मृत्यु दंड की पुष्टि किए जाने में उच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीशों के हस्ताक्षर की आवश्यकता है, न्यूनतम पूछा गया है? तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, 2, कम से कम 2 न्यायाधीशों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। अब हमारा लास्ट और हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है, मृत्यु दंडादेश की पुष्टि की कार्यवाही में उच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह ऑप्शन 1 है केवल मृत्यु दंडादेश की पुष्टि कर दे या अन्य दंडादेश दे, ऑप्शन 2 केवल अभियुक्त को किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध करे, ऑप्शन 3 अभियुक्त व्यक्ति को केवल दोष मुक्त करे, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आप गैस करिएगा जल्दी से माइंड में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो ये हमने इम्पोर्टेंट 50 MCQs हमने क्लास 6 में देखे हैं अपनी, जो हमारी क्लास 6 चली है CRPC की। तो आप जितने भी CRPC की सीरीज़ MCQs की आ रही हैं, मैं अगेन वही चीज़ कहूँगा, अब उनको देखते हुए जाइए एग्ज़ाम में, आप इनको शॉर्ट नोट्स बना लिए तो एक मेरे ख्याल से 2-3 पेज में आपके सारे CRPC कवर हो जाएगी। अगर इनके टॉपिक हार्डली आपने सेक्शन जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो नोट करेंगे तो 2 पेजेस में आप अपने नोट्स बना सकते हैं, बहुत शॉर्ट नोट जो कि रिवीजन में आपके काम आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करिए इसको और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।